नई दिल्ली से पटना जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है और इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे पूरी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेटेस्ट वीडियो अपडेट। नई दिल्ली से पटना जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से पांचवीं बोगी का पहिया हॉट एक्सल के चलते जाम हो गया। कोच के नीचे से धुआं उठने लगा जिसे देखने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोच अटेंडेंट की सूचना पर चालक ने जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया और यहां हॉट एक्सल वाली कोच को अन्य कोच से अलग करने के बाद संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को सुबह 7:15 पर पटना के लिए रवाना किया गया। जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 4 घंटे खड़ी रही जिससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली से पटना जा रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार की रात 2 बजे मिर्जापुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जंक्शन के लिए रवाना की गई थी, जबकि यह ट्रेन 3:15 पर जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर रही होगी। तभी इंजन से पांचवीं बोगी का पहिया हॉट एक्सल के कारण जाम हो गया। पहिया से धुआं उठने के बाद पहिया के बेरिंग के ग्रीस जलने की दुर्घटना को बचाया जा सका। इसके अलावा बोगी के पहिए के पास 30 धुआं उठ रहा था और यात्रियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब कोच अटेंडेंट ने इसकी सूचना तत्काल टेलीफोन से गार्ड को दी, जिसके बाद ट्रेन को रोक करके राहत बचाव का काम किया गया। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो अपडेट को आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लें।